एक बहुत ही प्रसिद्ध रोमन कहावत है कि कुत्ता कुत्ते को नहीं खाता। अपने लोगों को नुकसान ना पहुंचाने की बात कहने वाली इस कहावत के पीछे यह दलील है कि जीव जंतु भी अपनी प्रजाति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हालांकि कुत्ता ना सिर्फ कुत्ते को बल्कि मांस खाने वाले अन्य जीवों को भी नहीं खाता। जंगल की बात करें तो सारे छोटे मोटे शाकाहारी जीवों को खाने वाला शेर कभी अपनी भूख मिटाने के लिए किसी दूसरे शेर तो क्या बाघ या चीते पर भी हमला नहीं करता। मनुष्य का भोजन बनने वाले ज्यादातर मांस भी शाकाहारी जीवों का ही होता है। कहने का मतलब यह है कि कुत्ते हो या शेर या फिर मनुष्य, सभी केवल घास पात खाने वाले जीवों को ही मारकर खाते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि मांसाहारी जीव दूसरे मांसाहारियों को नहीं खाते। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट बस्टर के एक और नए और फ्रेश एपिसोड में। तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। सभी लोगों ने स्कूल की पढ़ाई के दौरान खाद्य श्रृंखला जरूर पढ़ी होगी। खाद्य श्रृंखला के अनुसार पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं। इन पेड़ पौधों को शाकाहारी जीव खाते हैं और आखिर में ये जीव मांसाहारियों का भोजन बनते हैं। इस तरह पेड़ पौधे सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वह भोजन श्रृंखला के जरिए तमाम जीवों तक पहुँचती है, लेकिन यह ऊर्जा हर चरण पर कम होती जाती है। ऊर्जा के इन अलग अलग स्तरों को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। कोई भी शाकाहारी या मांसाहारी जीव किस ट्रॉफिक लेवल में आता है इसी पर उसके खान पान का व्यवहार निर्भर करता है। उदाहरण के लिए ट्रॉफिक लेवल एक में पेड़ पौधे आते हैं और वे सूर्य की रोशनी से ऊर्जा लेते हैं। ट्रैफिक लेवल दो पर कीट या अन्य शाकाहारी जीव आते हैं जो पेड़ पौधों से ऊर्जा लेते हैं। ट्रॉफिक लेवल तीन पर इन जीव जंतुओं को खाने वाले मांसाहारी जीव आते हैं। यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि ट्रॉफिक लेवल तीन पर ऊर्जा का स्तर लेवल दो की तुलना में कम होगा और लेवल दो पर यह लेवल एक से कम होगा। कहने का मतलब यह है कि खाद्य श्रृंखला या ट्रॉफिक लेवल में आगे बढ़ते जाने पर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा क्रमशः कम होती जाती है। दरअसल पेड़ पौधे सूर्य से जो ऊर्जा लेते हैं तो उसका कुछ हिस्सा उनका भोजन बनाने की प्रक्रिया में उष्मा के रूप में बाहर निकल जाता है। फिर जब शाकाहारी जंतु इसे खाते हैं तो उनके जीवन यापन या चलने फिरने जैसी क्रियाओं में ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्तेमाल हो जाता है। यह कर्म आगे भी जारी रहता है। ट्रॉफिक लेवल तीन पर आने वाले मांसाहारी जीव जब किसी शाकाहारी जंतु को खाते हैं तो उनमें मौजूद ऊर्जा का केवल 10% हिस्सा ही उन्हें मिल पाता है, बाकी उस जीव द्वारा इस्तेमाल किया जा चुका होता है। इस व्यवस्था में अगर वे अपने ही ट्रॉफिक लेवल के किसी जीव को खाएंगे तो उन्हें भोजन से मिलने वाली ऊर्जा की यह मात्रा और भी कम मिलेगी। यही कारण है कि मांसाहारी जीव दूसरे मांसाहारी जीवों को नहीं खाते। इसके अलावा मांसाहारी जीव के लिए अपने ही तरीके के ताकतवर दूसरे मांसाहारी जीवों का शिकार करना खासा मुश्किल हो सकता है, और क्योंकि ये ताकत में एक जैसे ही होते हैं इसलिए ऐसा करने में जान गंवाने का भी उतना ही खतरा होता है। इस तरह मांसाहारियों द्वारा शाकाहारियों को खाया जाना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद और सुरक्षित है, और इसीलिए कुदरत में सहज रूप से यह व्यवस्था कायम होकर अपने आप चली आ रही है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं तक था। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका होस्ट और दोस्त फैक्ट बस्टर आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में इसी तरह के एक दिलचस्प टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।